ये कड़ी पत्ता है, ये मैंने यहीं से ही मुझे दिया इसकी एक वो तोड़ के। अब इसके द्वारा देखिए कितनी आजकल की कमी है, खून में हीमोग्लोबिन नहीं है, आयरन की कमी है। आपके ही आसपास में ये कड़ी पत्ता जो बरसात के मौसम में बड़ी अच्छी तरह से खिलता है, इसकी डाली आप देख रहे होंगे, देखते से ही जैसे मन हरा भरा हो जाता है, खून में सारे लोह तत्व तो आ जाते हैं। इनको ऐसे लेकर उल्टा ऐसे तोड़ें, ऐसे उल्टा तोड़ लिया, कभी सीधे से ना इसको खींचें पेड़ों में से भी, हमेशा तोड़ने की भी इसकी पहचान, इसको ऐसे ऐसे करके तोड़ना होता है, अपने पेड़ों से भी ऐसे तोड़ लिया। अब तोड़ने के बाद इसको फिर क्या करना है, इसकी आप पत्ती कैसे इस्तेमाल करना है ये भी जानना है। बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता है। अब इनको आप स्वरूप लें, ऐसे निकाल लें, पत्तियाँ निकल आएंगी इसकी, बहुत प्यारी प्यारी इसकी पत्तियाँ निकल आएंगे। इन पत्तियों को आप ऐसे भी जो बहुत मुलायम है उसको चबा के सुबह खा लें खाली पेट, है ना, जो ठीक है वो भी, जिनको कोई तकलीफ़ है वो भी, कोई भी खा सकता है। उसके अलावा एक मुट्ठी भर लेकर इसको आप अपनी चटनी बनाने के लिए इसको डालें, इसमें थोड़े नारियल डाल दें, माता वाला गोले का नारियल थोड़ा पीस करके डालें, छोटे छोटे पीसेस में करके, और नहीं भी नारियल है तो भी कोई बात नहीं, टमाटर आप डाल दें, जीरा वगैरह डाल दें, एक आधी हरी मिर्च डाल दें, और इसकी चटनी हरी हरी बना के खाएं, बहुत नमक वगैरह मत डालें रोज़ के खाने में, क्योंकि हम पत्तियों को चबा चबा कर भी ऐसे नहीं रोज़ रोज़ खा सकते। तो अपने भोजन के साथ ये, क्योंकि बरसात के मौसम में ज़्यादा साग वगैरह खाना ठीक नहीं रहता, लेकिन ये कड़ी पत्ता, ये पत्ता है, क्लोरोफिल इस पर गिरी हुई है, और इसके द्वारा आपको जो भी तत्व चाहिए, खून की सफाई का, खून के अंदर संचार का, तो सब कुछ मिलेगा। तो रोज़ के आहार में थोड़ा सा इसको जूस के रूप में, चटनी के रूप में खाते तो लोग हैं, हमारे साउथ इंडियन भाई बहन खाते हैं, लेकिन तड़का लगा ला के खाते हैं, उसको भी हटा देते हैं, चुड़वे में डालते हैं, सांभर में डालते हैं, वो कोई खाना खाना नहीं हो रहा। आपको लाइव खाना है, जीवंत इनके अंदर जो तत्व हैं उनको अपने शरीर को देना है, है ना। स्वाद तो ठीक है, अगर ऐसे खाने लगेंगे तो आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ें सुधरेंगी और आप निरोगी होते चले जाएंगे, खुशहाल होते चले जाएंगे। तो इसका जूस पी सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, अपने किसी चीज़ में डाल सकते हैं, बारीक बारीक काट कर बच्चों को भी ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे नहीं अच्छा लगता है। तो इन दिनों धनिया की पत्ती नहीं मिलती है, जहाँ पर गर्म जगह है वहाँ तो नहीं मिलती है, तो ऐसे में आप पुदीने की पत्ती और इसकी पत्ती मिला के भी आप चटनी बना सकते हैं, पी सकते हैं जूस के रूप में, हरे जूस के रूप में, बहुत फ़ायदेमंद है। कितना सुंदर डाली लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी यही आप लोगों के लिए संदेश है कि आसपास में ऐसी चीज़ों का सम्मान करें, अपना सम्मान करें और इसके द्वारा लाभ उठाएं। आसपास में ही आपके आहार भी है तो औषधि भी है, और हम फालतू में भागते हैं उस औषधि के पीछे, वो औषधि नहीं है, वो दवाई है, तो दबाते दबाते हम दब ही गए हैं। अब हमें अपने को खोलना है और उस खुशहाली में रहना है, प्रकृति के साथ रहकर विकृतियों को दूर करना है और अपनी भारतीय